अस्सलाम वालेकुम जी, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, हम देखेंगे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी अहमियत क्या है और इसको कैसे जाहिर किया जाता है, इसका ऑपरेटर समझेंगे। तो यही हमारा टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो शुरू करते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसकी एक बहुत अहम खूबियों में से एक एंगुलर मोमेंटम है। आप अगर समझे तो पांच जो हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं उनमें जिसमें एनर्जी है, मैस है, चार्ज है, लीनियर मोमेंटम है, तो पांचवा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो आपके पास आमतौर पे कोलाइजंस और स्कैटरिंग के मामलात में इसकी काफी अहमियत हो जाती है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स खासतौर पर जब हम बाउंड स्टेट प्रॉब्लम को देखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट काफी फायदा देता है। ठीक है, अब जब हम अटॉमिक न्यूक्लियर या न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम वहां पे भी बहुत अहम डिस्कशन में आता है। फिर आपके पास एंगुलर मोमेंटम को हम वहां पे भी देखते हैं जहां पे रोटेशन ऑफ सिस्टम बीच में लाजमी शामिल हो जाती है, यानी जहां पे भी सिस्टम रोटेट करेगा वहां पे उसकी डिस्कशन में एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो आपके पास ऐसे तमाम अहम मसाइल्स के अंदर जिसमें मैथमेटिकली आसानी से सॉल्व किया जा सकता है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट में, वहां पे एंगुलर मोमेंटम को हम इस्तेमाल करते हैं। अब पहले क्लासिकल देख लें तो क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम को L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो आर यहाँ पे पोजिशन वैक्टर है, पी आपका लीनियर मोमेंटम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से मैंने इनको कंपोनेंट की सूरत में लिख दिया, आप इसे डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, तो रिजल्ट ये आ जाता है। अब इसी की सोच पे जब हम क्वांटम मैकेनिकली जाते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर लेना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आप जो आर पोजीशन वेक्टर और पी आपका लीनियर मोमेंटम था उसे रिप्लेस करेंगे किससे, उनके ऑपरेटर से। जैसे आप यहाँ पे देखो एल ऑपरेटर बराबर है आर जो पहले पोजीशन वेक्टर था, अब आप आर ऑपरेटर क्रॉस पी ऑपरेटर। अब R ऑपरेटर तो मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, जो P आपके पास था मोमेंटम का ऑपरेटर वो आ जाएगा माइनस योटा H का डेल्टा। अब डेल्टा यहाँ पे क्या है आपके पास, तो आप इसे कैसे लिखेंगे ये जरा समझ लेते हैं। माइनस योटा H का बाहर ले लिया, R क्रॉस डेल्टा आ गया। अब बारी बारी समझते हैं। तो R अगर हम देखें कंपोनेंट की सूरत में तो X को रिप्लेस किया X के ऑपरेटर से जो X के बराबर ही होगा, y को रिप्लेस किया y के ऑपरेटर से जो y के बराबर ही होगा, z को रिप्लेस किया z के ऑपरेटर से जो z के बराबर ही होगा, अब px को ऑपरेट किया रिप्लेस किया px के ऑपरेटर से जो कि माइनस योटा h का डेल्टा ओवर डेल्टा x आ जाएगा कंपोनेंट की जुबान में। p को रिप्लेस किया py ऑपरेटर से जो माइनस योटा h का डेल्टा ओवर डेल्टा y के सूरत में रिप्लेस हो जाएगा, p को रिप्लेस किया pz की सूरत में जो माइनस योटा h का डेल्टा ओवर डेल्टा z से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जहन में रखते हुए अगर हम वापस इस इक्वेशन में जाते हैं तो आप R की वैल्यू भी लगा सकते हो, डेल्टा की वैल्यू भी लगा सकते हो, माइनस योटा एच कट इसमें भी समय कॉमन ले लिया। ठीक है, तो R की वैल्यू भी लगी और डेल्टा की भी। अब जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि आपका X जो ऑपरेटर है, Y जो ऑपरेटर है, Z ऑपरेटर वो एक्स वाई जेड के बराबर ही है, तो अगले स्टेप में मैंने उनको एक्स वाई जेड ही कर दिया और यहाँ से इसके साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। आप बिल्कुल इसको इसी से समझ सकते हैं कि वाई पी जेड, तो देखो वाई आ गया तो ये आपके पास डेल्टा ओवर डेल्टा जेड साथ आ गया, यानी पी जेड की जगह माइनस योटा एच कर तो बाहर आ गया ना। इसी तरीके से देखो माइनस जेड पी वाई, तो जेड आ गया, पी वाई वाले में से हमने क्या ले लिया डेल्टा ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, तो आप इसके लिहाज से भी इसे समझ सकते हैं कि कौन सी चीज एल एक्स एल वाई एल जेड का रोल प्ले करेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कंपोनेंट्स की जुबान में लिखा है तो एंगुलर मोमेंटम वन डायमेंशनल स्पेस में तो होगा नहीं, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे एल एक्स एल वाई एल जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट एक ऑपरेटर के तौर पे है, यानी एल एक्स भी ऑपरेटर है, एल वाई भी ऑपरेटर है, एल जेड भी ऑपरेटर है, और इसका जो स्केयर होगा वो भी आपके पास L जो ऑपरेटर है वो भी आपका एक यानी ऑपरेटर होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये ऑपरेटर हर्मिशियन है, यानी आपके पास हर ऑपरेटर जो कॉरेस्पॉन्ड होगा स्केयर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वो एक स्केलर ऑपरेटर होगा। जैसे आप यहाँ से देखें कि L ऑपरेटर का स्केयर लिया तो L आपके, अच्छा यहाँ पे आपने इसे वेक्टर नहीं मानना, ये यहाँ पे ऑपरेटर है। ठीक है,
तो आपके पास एल डॉट है आ जाएगा, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।